नमस्कार, मैं तापोशी। आज हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप और आधा कप चावल लिए हैं, बासमती चावल है। ये ग्राम में वजन करने से यहाँ आपका 400 ग्राम तक चावल है, 350-400 ग्राम चावल है। यहाँ हमने किशमिश लिए है, काजू है, 1-4 इलायची है, 1/2 इंच दालचीनी है, लौंग है 4 और जायफल टुकड़ा है, 1 चम्मच चीनी है, अदरक कद्दूकस किया है 1 चम्मच, नमक है 1.5 चम्मच और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर है और 2-3 चम्मच घी या वाइट ऑयल ले सकते हैं। हमने यहाँ 1.5 कप चावल लिए हैं, तो इसके लिए हम 3 कप पानी लेंगे। तो पहले चावल को अच्छा से धो लेते हैं। देखिए, चावल को हमने अच्छा से 3-4 बार साफ पानी में धोकर पानी को फेंक दिए और चावल को हम 10 मिनट इसी तरह रख देंगे। और जिस कप में हम चावल लिए थे उसी कप का 3 कप हम पानी एक बर्तन में डालेंगे और पानी को गर्म करना है। हमने 2 कप पानी लिए थे, 1 कप और आधा कप चावल लिए थे, तो हम इसमें 3 कप पानी लेंगे। इसी कप से हमको मेज़रमेंट करना है। कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। और 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ हमने 1 चम्मच घी और 2 चम्मच तेल डाले हैं। तेल गर्म होने पर हम इलायची, दालचीनी और लौंग सभी को थोड़ा भून लेंगे। अब काजू किशमिश को भी थोड़ा भून लेते हैं। एक 2 मिनट इसको थोड़ा गर्म कर लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे और चीनी भी थोड़ा डाल देंगे। अब हम इसमें चावल को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है या धीमी आंच रखना है, तो गैस ज़्यादा तेज नहीं करना है। चावल को अच्छा से थोड़ा फ्राई कर लेना है 5 मिनट। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। और इधर हमने एक बड़े बर्तन में 3 कप पानी को गर्म करने के लिए रख दिए और इसमें हम एक पानी में 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। चावल को हम गर्म पानी में डाल देते हैं। चावल को हमने
इस बर्तन में डाल दिए और अब हम इसमें एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं। इसको भी अच्छा से मिलाना है और अब हम इसको ढक देंगे। 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम सिम में रखना है। 10 मिनट हो गया, अब हम ढक्कन को खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा पुलाव तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। हमने 5 मिनट बाद एक बार चेक कर लिए और इसको अच्छा से मिलाकर हमने फिर से 10 मिनट के लिए ढक दिए थे। अब हम इसको फिर से थोड़ा सा 4-5 मिनट ढक कर रखते हैं और उसके बाद हम सर्व करेंगे पुलाव को। देखिए हमारा पुलाव तैयार है। इस तरह से पुलाव आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।